देखिए, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो वैसे तो मैंने प्रीलिम्स लगभग 14 साल पहले दिया था, फिर भी लेकिन कुछ टिप्स जो मुझे लगता है जो मेरे लिए फायदेमंद थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली टिप तो खैर यही है कि स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। एग्ज़ाम एक तरह का बैटल है, बैटल में आप जाएंगे तो काम माइंड से जाएंगे, बिना एंग्जाइटी के जाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक दूसरी टिप जो मैं फॉलो करता था जो मेरे लिए कारगर थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि जो आंसर्स होते हैं या जो ऑप्शंस हैं ABCD, उसको मैं जनरली एक हाथ से ढक दिया करता था और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आंसर पहले से रहते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली सही चीज पे अपने आप से ब्रेन फोकस करता है। जैसे ही आप हाथ हटाएंगे और आपको तुरंत वो ऑप्शन दिखे, ये फैक्चुअल जो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें एक ये कारगर मेरे लिए साबित होता था। एक अच्छी टिप जो मुझे लगती है वो ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि OMR शीट है उस पर एंड में एक साथ सारे आंसर्स को टिक करते हैं, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने ऐसे में या तो गलतियां कर दी या कोई एक पर्टिकुलर आंसर मिस हो गया, पूरी सीरीज खराब हो गई। ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इतनी देर में भरना शुरू किया कि वो उसको फिर भर ही नहीं पाए, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। इंस्टेंटली अगर आप टिक कर दें तो मेरे लिए तो ये काम करता था, आप भी जरूर देखें आपके लिए काम करता है या नहीं करता है। एक टिप छोटी सी है उन लोगों के लिए, है मेरे जैसे लोगों के लिए है जो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में थोड़ा कमजोर होते हैं, अरिथमेटिक में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो जब कोई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है, तो बहुत समय उसमें लगा देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और उसको गलत भी कर देते हैं। ज्यादा अच्छा ये होगा कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस वक्त आप उसे स्किप कर दें, नॉर्मल कोर्स में बाकी आंसर्स देते चले जाएं, और एंड में जो टाइम बचता है उसमें वापस आके उन क्वेश्चंस पे आएं, फिर उन्हें सॉल्व करें। तो समय थोड़ा अगर ज्यादा बचता है तो आप ठंडे दिमाग से उसको कर पाते हैं और जनरली फिर आप उसको सही भी कर पाते हैं। तो आप दो चार इन बातों को मैं ध्यान रखता था, आप भी जरूर अगर ध्यान रखेंगे मैं समझता हूँ आपके लिए फायदेमंद होंगे, और आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।